हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कुक फूड विद मी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी चावल, जिसे हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था, थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप इलायची को बारीक कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आपने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें बारीक चॉप करके हमें खीर में डालना है। ये हमने आधी कटोरी चीनी ली है। चीनी भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है, जिसे हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। चलिए अब हम अपना दूध बॉयल कर लेते हैं। ये हमारे दूध में एक बॉयल आ चुका है और हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे। वैसे तो कुछ लोग चावल को आधा घंटा पहले ही भिगोते हैं, मगर अगर आप 3 से 4 घंटे के लिए चावल को भिगोते हैं तो चावल अच्छे से दूध में पक जाता है और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से एक बार खीर बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये हमने अपना सारा चावल दूध में डाल लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी डाल देंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी खीर पक के रेडी हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और कीप वॉचिंग कुक फूड विद मी। थैंक यू।